गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी 22 अगस्त को और अभी मेरा 2.5 महीने का ये बेटा है, 2.5 महीने का हो चला है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ सिम्टम्स शेयर की जाए। तो मैं ये बोलूंगी मेरे बेबी वॉइस के सिम्टम्स नहीं है, मैं अपने ओवरऑल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि साइंस और डॉक्टर बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं करते। ये सारे सिम्टम्स है तो आपको बेबी बॉय ही होगा या गर्ल ही होगा। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग इसे बस इसे फन वे में लीजिएगा और आप लोग साथ चलिए एक एक चीज़ शेयर करती हूँ मेरे क्या सिम्टम्स रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बतला दूँ, मुझे एक आंटी बोली थी, आप देखकर ही बोल दी थी वो, मुझे नहीं पता क्यों कैसे देखकर बोल दी कि तुमको तो लड़का होगा। एक्चुअली मैं एक मसाज वाली देख रही थी, मेरी एक्सपेक्टेड डेट सितंबर की लास्ट वीक में थी और अगस्त के मैं स्टार्टिंग वीक में ही देख रही थी मसाज वाली कि मुझे बाद में ज़्यादा हैसल ना हो, खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है खोजने में। तो यहाँ पे आई थी आंटी तो वही देख के मुझे बोल दी तुम्हें तो लड़का होगा। तो कुछ पैसे के लोग के बात चल रही थी तो वो मुझे बोल दी तुमको तो लड़का होगा, तुम इतना पैसे के बारे में क्यों सोच रही हो। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे बोली। तो मैं घर पे भी बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे बता रही थी, तो मम्मी बोली हाँ बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस से बहुत लोग पता नहीं कैसे देखकर फेस और पेट देखकर बता देती हैं। फिर मैं भी फिर नेट पे देखने लगी बेबी बॉयज़ के सिम्टम्स, गर्ल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होने लगी काफ़ी वीडियो देखने की, तो मैं भी देखने लगी थी और मैं भी अपने से मैच कर रही थी। तो जितना मैं देख रही थी उससे मेरे सिम्टम्स मैच कर रहे थे, बट फिर भी मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि साइंस और डॉक्टर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो बस मैं भी यही कहूँगी मेरे सिम्टम्स देख कर आप लोग भी बस मैच मत कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों के साथ सिम्टम्स शेयर करते हैं। ये सो गया तो सबसे पहला मेरा सिम्टम था जैसा कि वो बोली, मेरा जैसा कि मुझे पता चला फेस और चेहरा पेट देखकर लोग बता देते हैं, तो मेरा फेस बिल्कुल भी क्लियर था। मुझे एक्ने की स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रही है काफ़ी टाइम से, तो मेरा फेस काफ़ी क्लियर हो गया था प्रेगनेंसी टाइम में। कुछ मुझे नहीं पता खाना खाने से, सही खाना खाने से हेल्दी और भी ज़्यादा खा रही, वैसे तो मैं घर का ही खाना खाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे हेल्दी खा रही थी खाना, तो इसलिए हुआ कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरा फेस काफ़ी क्लियर हो गया था। और ऐसा कहते हैं कि लड़की अगर होने वाली है तो वो आपकी सारी सुंदरता ले जाती है, तो माँ का फेस थोड़ा डल हो जाता है, तो मेरे केस में मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। और सेकंड जैसा कि वो शायद पेट देखकर बोली होंगी, तो मैं भी नेट पे देखी तो बहुत जगह नेट पे दिखा रहे, यूट्यूब पे मैं देखी तो मुझे भी काफ़ी देखने को मिला जो कि बता रही थी कि पेट कम निकलता है अगर लड़का होने वाला, लड़की होती है तो ज़्यादा पेट निकलता है। तो मेरे केस में भी पेट मेरा ज़्यादा नहीं निकला था और मैं वेट भी ज़्यादा गेन नहीं की थी, हार्डली मैं 10 से 11 केजी की गेन की थी। मेरे 52 केजी थे जब कंसीव की थी और जब डिलीवरी हुआ था तो 63 केजी की मैं थी, तो ज़्यादा मैं वेट भी नहीं गेन की थी। एक ये थे सिम्टम्स और एक कहते हैं लड़का होगा तो आपका अपर साइड से पेट निकलता है और लोअर से आपका अगर लड़की होगी तो निकलता है। तो मेरे केस में भी मेरा ऊपर साइड से पेट मैं कैरी की थी, तो मेरा ये भी एक सिम्टम्स मैच कर रहा था यूट्यूब पे जैसा कि देखी थी। और नेक्स्ट मेरे सिम्टम्स थे पेट पे, कहते हैं स्टमक पे कहते एक लाइन आ जाती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ही आती है, वैसे नहीं आती, प्रेगनेंसी टाइम ही एक डार्क लाइन से आ जाती है, तो उसे लाइनिया नागरा से कुछ कहते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं अभी वर्ड ध्यान में है, तो लीनिया नाइग्रा शायद कहते हैं, तो वो एक आ गया था स्ट्रेट लाइन मुझे आया था, वो भी कहते हैं अगर लड़का होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वो भी मेरे सिम्टम्स मैच कर रहे थे। और नेक्स्ट लोग सबसे ज़्यादा इस पे विश्वास करते हैं अगर आपका बेबी का हार्ट रेट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता हार्ट रेट, तो जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तो मेरे बेबी के हार्ट रेट 140 से कभी कम आते थे या कभी ज़्यादा आते थे, अप्रॉक्स समझिए आप 140 के ही करीब रहते थे। तो मेरे ये भी एक सिम्टम्स मिल रहे थे, जितना मैं देख रही थी उससे पता चल रहा था मुझे बेबी बॉय होगा, बट फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर भी इस पर विश्वास नहीं करते। मैं एक बार डॉक्टर से पूछी अगर हार्ट रेट अगर 140 से बिलो है तो क्या मुझे लड़का होगा, तो वो बोले नहीं ये बिल्कुल भी मिथ है, इस पर विश्वास नहीं करना। तो ये मैं भी आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। कभी कभी मेरा बेबी का हार्ट रेट 165 भी गया, तो आप लोगों से बस यही बोलूँगी बस इसे फन वे में लीजिएगा। तो एक हार्ट रेट लोग कहते हैं 140 से कम रहेगा तो लड़का होगा, 140 से ऊपर रहेगा लड़की होगी, मेरे केस में ज़्यादातर वैसे 140 के ही लगभग रहा है, कभी कभी 140 से भी ऊपर रहा है। और ये एक सिम्टम्स थे, सिम्टम्स या फिर मेरे जो आए थे रिपोर्ट में वो बता रही हूँ।
बोलते हैं प्लेजेंटा पोजीशन लोग बोलते हैं, अगर पोस्टीरियर रहेगा तो ये होगा, लड़की रहेगी लड़का रहेगा, लड़की अगर रहेगी तो एंटेरियर होगा, तो मेरे केस में एंटेरियर था मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन। और नेक्स्ट कहते हैं अगर आपको सॉल्टी फूड खाने की क्रेविंग हो रही है और खट्टा खाने की कुछ क्रेविंग हो रही है तो लड़का होगा, तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है फॉलो मुझे कर रहे हैं तो मैं एक ब्लॉग में बताई थी मुझे काफ़ी अचार खाने का मन कर रहा था और मैं ऑनलाइन दुकान से भी खरीदी थी, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैं खुद से ही काफ़ी अचार बना ली थी, काफ़ी चीज़ का उस टाइम अचार बना ली थी और खा रही थी। जब घर वाले को पता चला तो मना किए मुझे, इनफैक्ट डांटे भी, इतना अचार भी नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो मैं फिर छोड़ दी थी खाना। तो एक ये मेरे सिम्टम्स थे। और स्टार्टिंग में वैसे मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे मुझे खट्टा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, ये एक सिम्टम्स थे। और एक लोग कहते हैं अगर लड़का होगा तो जल्दी आ जाएगा, जो टाइम आपका एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले आ जाएगा, लड़की होगी तो थोड़ा डिले करेगी। बट मेरे केस में मेरा 9th month स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 8th month में ही मेरा बेटा हो गया, तो इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे डेट क्रॉस भी नहीं हुए थे और बहुत ज़्यादा ही पहले आ गए, वो दूसरी कंडीशन IUGR कंडीशन की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए 8th month में ही मुझे डिलीवरी करानी पड़ी। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको भूख ज़्यादा लगती है, अगर लड़का होगा लड़का होता है तो ज़्यादा लगती है, इस पर मैं कहूँगी इसमें भी मेरा थोड़ा सा सच हुआ क्योंकि मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर होते होते मेरा वेट काफ़ी गेन होने लगा और मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी थी। एक बार खाना खा ली फिर 2-4 घंटे बाद फिर मुझे भूख लगने लगी थी, लग जाती थी। मैं जो वेट गेन की हूँ, मैं थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते होते ही वेट गेन की हूँ, 7th से ही लगभग मेरा वेट थोड़ा गेन हुआ है। तो मैं ये भी एक बेबी बॉय को सिम्टम्स दूंगी अगर ऐसा होता है तो बस यही सब मेरे सिम्टम्स रहे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, बस इसे फन वे में लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरे से मैच कीजिए और आप लोग भी उम्मीद लगा के बैठ जाइए कि आपको लड़का होगा, जो भी होगा हेल्दी हो, बस यही हम लोग प्रे करते हैं और बस इसे फन वे में लीजिएगा, बार बार यही बस बोलूँगी। लोगों को ये सोचिए कि लड़का लड़की भी भगवान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें लड़का मिला या लड़की मिलेगी, तो बस इसे फन वे में लीजिएगा। तो यही सारे मेरे सिम्टम्स रहे, आई होप मैं सारा कुछ कवर कर दी हूँ, अगर कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और एक कहते हैं कि आपको बेली बटन आपके निकले हुए हैं, थोड़ा सा निकल गया है प्रेगनेंसी टाइम, तो आपको लड़का होगा, तो मेरे भी थोड़ा निकले थे बट बाद में अंदर चले आए, तो ये एक सिम्टम्स थे। और एक सिम्टम्स थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वॉमिट हुआ था और नौजिया की प्रॉब्लम थी, बाकी 2nd-3rd trimester में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम वैसा नहीं था, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत लोगों का सुनती हूँ काफ़ी वॉमिट वगैरह होता है अगर लड़की होती है, लेकिन हमारे फैमिली में ही बहुत लोगों के लड़का हुआ है लेकिन उन लोगों को काफ़ी वॉमिट हुई है। तो जैसा कि मैं यूट्यूब पे देखी हूँ उसमें लड़की होती है तो आपको वॉमिट ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे केस में भी ये चीज़ बेबी बॉय की तरफ ही जा रहा था, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चल रहा था, वैसे सच तो पता नहीं चल रहा था लेकिन हाँ जैसा कि देख रही थी यूट्यूब पे उसके अनुसार मुझे पता चल रहा था कि शायद मुझे लड़का ही होगा। और आंटी भी जैसा बताई बहुत कुछ मुझे इंडिकेट कर रहा था कि लड़का होगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये मिथ है, डॉक्टर भी कहते हैं और साइंस भी इसे मानती है, तो मैं भी मान के चल रही थी जो भी हो भगवान जो भी दे अच्छा दे, हेल्दी बदे। और बस यही सब मेरे सिम्टम्स रहे, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और आप लोगों को मेरे बेबी के साथ अच्छे अच्छे वीडियो देखने का मन है, देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।